इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बंटी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक बकरी और अपने माँ बाप के साथ नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहता है। बंटी को बाहर की दुनिया घूमने का बहुत शौक होता है। बंटी के पिता एक दर्जी होते हैं और वो बंटी को भी दर्जी ही बनाना चाहते हैं, लेकिन बंटी का मन कपड़े सिलने में बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि वो तो दुनिया घूमना चाहता है। और अब जब वो सभी खाना खाने लगते हैं तो बंटी की बकरी भी वहीं बैठकर साथ में खाना खाने लग जाती है। फिर बंटी के पिता गुस्से में कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस बकरी को भी खाना खिला सके। तो बंटी कहने लगता है कि ये सिर्फ एक बकरी नहीं है बल्कि इसे मैं अपनी बहन मानता हूँ और हम दोनों साथ में ही दुनिया घूमने जाएंगे। फिर उनका एक पड़ोसी जो काहिल नाम का बूढ़ा आदमी होता है इनकी सब बातें सुन लेता है। अब बंटी अपनी बकरी के साथ घर के बाहर उदास बैठा होता है, तभी काहिल मियाँ बंटी को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक उड़ने वाली जादुई कालीन देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पर बैठकर दुनिया घूम सकते हो। फिर बंटी जादुई कालीन को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि अब मैं अपनी बकरी के साथ दुनिया घूमने जा रहा हूँ। फिर बंटी अपने माता पिता से विदा लेकर दुनिया घूमने के लिए वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर अब वो दोनों एक स्वर्ण राज में पहुँच जाते हैं जिससे बंटी बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही खड़ूस होते हैं। यहाँ एक आदमी बंटी से इसकी जादुई कालीन छीनने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की बंटी को वहाँ से अपने साथ ले जाती है जिसका नाम सुनहरी होता है। सुनहरी बंटी को अपने साथ घर लेकर आती है जहाँ वो कुछ अनाथ बच्चों के साथ गुल्लू के घर में रहती है। गुल्लू सभी बच्चों से खाना चोरी करके मंगवाता है। फिर बंटी गुल्लू को अपनी बकरी का दूध पीने को देता है। अब रात भी हो चुकी थी। फिर वो सोने के लिए एक अच्छी जगह पर जाते हैं। गुल्लू भी उन्हें उड़ते हुए देख लेता है। अब वो एक छत पर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ से जादुई कालीन गायब हो जाती है। बंटी को लगता है कि सुनहरी ने ही उसको चुराया होगा, लेकिन वो कालीन तो गुल्लू ने चुराया होता है जो वहाँ के राजा विकराल को देने उसके महल में पहुँच जाता है, क्योंकि राजा का कहना था कि जो व्यक्ति उसे जादुई कालीन लाकर देगा वो उसे वहाँ का सेनापति घोषित कर देगा। लेकिन इस टाइम राजा खाने में बिजी था, इसलिए वो गुल्लू से कहता है कि तुम बाद में आना। वही बंटी सुनहरी से मिलता है और अपने कालीन के बारे में पूछता है, लेकिन सुनहरी कहती है कि मैंने तुम्हारा कालीन नहीं चुराया, ये पक्का गुल्लू का काम होगा। फिर सुनहरी बंटी से कहती है कि हमारी यहाँ सिर्फ एक ही औरत मदद कर सकती है जिसका नाम है फिरोजा। अब ये दोनों फिरोजा के पास आ जाते हैं। फिरोजा भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिरोजा इन दोनों को फलों के बीच में छुपा कर महल में लेकर आ जाती है जहाँ वो दोनों कालीन को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं गुल्लू राजा के पास एक बार फिर कालीन लेकर पहुँच जाता है और इस बार राजा उड़ने के लिए तैयार था। अब राजा अपने नौकरों से खुद को कालीन पर रखने को कहता है क्योंकि राजा बहुत मोटा होता है। फिर राजा गुल्लू से कालीन उड़ाने को कहता है, लेकिन गुल्लू को तो कालीन उड़ाना ही नहीं आता था। फिर राजा गुल्लू को वहाँ से भगा देता है। उसी समय सुनहरी और बंटी गुल्लू को कालीन ले जाते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से कालीन लेकर भागने लगते हैं, लेकिन अब गुल्लू और महल के सभी नौकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। कालीन वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग सभी दरवाजे बंद कर देते हैं जिससे वह दोनों फंस जाते हैं। अब राजा बंटी से कहता है कि अगर तुमने मुझे कालीन उड़ाना नहीं सिखाया तो मैं सुनहरी को मगरमच्छ के मुंह में फेंक दूंगा। फिर बंटी मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको उड़ाना सिखाऊंगा। जिसके बाद राजा और गुल्लू कालीन के ऊपर चढ़ जाते हैं और अब बंटी कालीन को उड़ाना शुरू करता है। कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही बंटी राजा और गुल्लू को मगरमच्छ के ऊपर गिरा देता है। अब मगरमच्छ राजा और गुल्लू का पीछा करने लग जाते हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद बंटी सभी सिपाहियों को आजाद कर देता है जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बंटी सुनहरी के साथ अपनी बकरी के पास आ जाता है। अब सुनहरी बंटी से कहती है कि वो उसके पड़ोसी काहिल मियाँ की ही नवासी है। बंटी ये सुनकर बहुत खुश होता है और अब ये तीनों गांव की ओर जाने लगते हैं। गांव में पहुंचते ही काहिल मियाँ अपनी नवासी से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गैस, अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल वसीम एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।